दिल्ली के नजफगढ़ में छावला स्टैंड पर एक मिठाई की दुकान में बीते रविवार को करीब दो अनजान नकाबपोश गोली चलाकर फरार हो गए। गनीमत ये रही कि इस दौरान दुकान में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को गोली नहीं लगी। आपको बता दें कि दुकान में गोली चलने की वजह से अभी तक गोली क्यों चली है इसका पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलियों के तीनों खोखे अपने कब्जे में ले लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिससे बदमाशों का पता चल सके। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट गोदाम में भीषण आग लगी, जहां इंद्रलोक के इंडस्ट्रियल एरिया में ये भीषण आग लगी हुई है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यह भीषण आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है मौके पर पहुँची और आग बुझाने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भगदड़ का माहौल हो गया। तो ट्रांसपोर्ट गोदाम में ये भीषण आग लगी है जहाँ पर भगदड़ का माहौल हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि दमकल की 6 गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी।